अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूँ। जिन कैंडिडेट्स ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया था हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट करके रखा है नोटिफिकेशन नंबर 1/2015 जो डेटेड है 1/9/2015। तो जिन कैंडिडेट्स ने इस नोटिफिकेशन के तहत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया था हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, उनका एग्ज़ाम होने वाला है। ये जो पोस्ट्स थे ये बोथ जम्मू डिवीज़न एज वेल एज़ कश्मीर डिवीज़न के लिए थे। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने JKSSB से कहा है कि आप इन पोस्ट्स का एग्ज़ाम कीजिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। अब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इन्होंने सिलेबस भी इसके लिए निकाला है, यहाँ पे मैं आपको सिलेबस भी शो करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, या OMR दोनों इन्होंने रखे हैं, या कंप्यूटर बेस्ड करेंगे या OMR बेस्ड होगा, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा आफ्टर June 2018 होगा, जून के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन का एक मार्क्स होगा। अगर आप राइट आंसर दोगे तो आपको एक मार्क्स अवार्ड किया जाएगा हर क्वेश्चन का, बट अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे तो आपको 0.25 डिडक्ट होगा हर सही क्वेश्चन में से, ठीक है। जो आप सही आंसर दोगे, अगर आपने रॉन्ग आंसर मीन्स किसी क्वेश्चन का दिया तो 0.25 राइट में से आपको डिडक्ट किए जाएंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे सिलेबस शो करता हूँ इसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो जो JKSSB ने सिलेबस निकाला है अभी, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स में आपको ये सॉल्व करने होंगे। पहले ही इन्होंने जनरल इंग्लिश का सेक्शन रखा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी जनरल इंग्लिश का सेक्शन रखा है इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपको यही टेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, ठीक है, प्रोनाउन्स, आइडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, जो भी है ये आपको स्टडी करने हैं। आप ये सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हो और 15 मार्क्स इंग्लिश सेक्शन के आपके है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूनिट 2, इन्होंने रखा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स स्टेट नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है, काफ़ी वास्ट है। 30 मार्क्स इस सेक्शन के आपको मिलेंगे, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया एंड J&K विल बी आल्सो आस्क, ठीक है। तो पोल साइंस में आपको पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस। उसके बाद तीसरा आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है इसमें आपको 15 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, इस सेक्शन के आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। इसमें यही नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर, यही आपको स्टडी करनी है। उसके बाद चौथा आता है अर्बन डेवलपमेंट एंड रिलेटेड टॉपिक्स, इस सेक्शन के आपको 30 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी बहुत कुछ आपको स्टडी करना है, अर्बनाइजेशन है, ठीक है, स्कीम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ अर्बन इशू लाइक सेंसेशन, हाउसिंग, मोबिलिटी, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो 30 मार्क्स इस सेक्शन के है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंटल एबिलिटी में पहले ही नंबर सीरीज, उसके बाद लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल रीजनिंग। तो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट में है, 15 मार्क्स आपको इस सेक्शन में से पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस अलग सेक्शन रहेगा, इसके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS Excel, MS Access एंड MS PowerPoint और ईमेल एंड इंटरनेट। तो इन सभी लेक्चर्स में से आपके 15 मार्क्स होंगे। तो ये JKSSB ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए सिलेबस निकाला था, ठीक है, मैंने आपसे
डिस्कस किया कि कौन कौन से लेक्चर्स आपको स्टडी करने हैं। आप इस सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हो वेबसाइट से। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा वो अवेयर हो जाए कि उनका एग्ज़ाम होने वाला है। बिकॉज़ अगर आप इसे शेयर करोगे उन कैंडिडेट्स को पता चल जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, दूसरे की हेल्प हो जाए, अच्छा फील होता है। तो ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप शेयर करना ताकि हर कोई अवेयर हो जाए जिन कैंडिडेट्स ने इस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था कि हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ओके, थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।